हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब हम सफ़र, क्योंकि दोस्त जॉब ज़रूरी है। जैसा कि दोस्त आपने थंबनेल में देखा, आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी रांची के एएलपी के कटऑफ के बारे में। तो चलिए दोस्त, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, और मैं वेट कर रहा हूँ कब तक मेरे 100 लाइक्स होते हैं। चलिए दोस्त, इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्त यहाँ पे लिखा हुआ है, आरआरबी रांची में टोटल वैकेंसी कितनी थी, तो टोटल वैकेंसी थी 4281। तो इसमें तीन तरह के पोस्ट भरे जाएंगे। पहला भरे जाएंगे एएलपी के लिए, तो एएलपी की सीट की बात कर लें तो 2031 सीट थी। उसी तरह आईटीआई टेक्नीशियन की बात करें तो उसमें 2032 सीट थी दोस्तों। और हम बात करें पीसीएम के लिए, जो टेक्नीशियन के लिए है, उनका सीट बहुत कम है दोस्त, 218। तो चलिए हम लोग कटअप डिसाइड करने के पहले एक एएलपी सीबीटी 1 का कटअप के बारे में जानते हैं। देखिए दोस्त, मैंने एएलपी सीबीटी 1 के कटअप के बारे में बताया हूँ। पहले जो सबसे पहली बार रिजल्ट आया था तब कितना कटअप था, फिर बाद में है जो उस कटअप को काफ़ी कम कर दिया गया था, उसको भी देखेंगे बाद में कितना कम हुआ और कितने स्टूडेंट और बढ़ गए इस कटअप को कम करने के बाद। चलिए दोस्तों, पहले जो कटअप आई थी आरआरबी रांची की, तो जो जनरल था, जनरल वालों का 46 मार्क्स आया था और ओबीसी के लिए 35 मार्क्स आया था, और एससी के लिए 30 और एसटी के लिए 29। दोस्त ये है जो आपका नॉर्मलाइज स्कोर है, ये आपको 100 पे निकाला हुआ है। जबकि जब बाद में क्या किया गया, रिजल्ट में फिर से संशोधन किया गया, और उसमें जो जनरल वाले 40 मार्क्स लाए हैं और ओबीसी वाले 30 मार्क्स और एससी वाले 30 मार्क्स और एसटी वाले 25 मार्क्स, जो कि जिनका नॉर्मलाइज स्कोर इतना हो जा रहा है उनको भी सिलेक्ट कर लिया गया। तो ओवरऑल बात करें हम, तो आफ्टर जो कि बाद में जब रिजल्ट निकाला गया उसके बाद हम देखें तो टोटल 32,000 लोग एएलपी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो यदि हम सीट की दावेदारी की बात करें तो आप कर सकते हो 32,000 डिवाइडेड बाई 2031, तो आप देखो 15 दावेदारी, यानी कि आप कह सकते हो क्या कि एक सीट पे यहाँ पे 15 दावेदारी है एएलपी में। और बात करें हम कट ऑफ आईटीआई टेक्नीशियन की, जो सीबीटी 1 की थी, तो पहले जो कट ऑफ निर्धारित हुआ था वो 46 मार्क्स हुआ था, और ओबीसी के लिए 45, एससी के लिए 36 और एसटी के लिए 31.5। बिल्कुल एएलपी से ज़्यादा कट ऑफ टेक्नीशियन का रहने वाला है, रहेगा भी, इससे 2 से 4 नंबर ज़्यादा ही रहेंगे। खैर उस, लेकिन बाद में क्या किया गया, बस पासिंग मार्क्स, क्वालिफाइंग मार्क्स को ही, जो बस 40 मार्क्स ले आए जनरल में, ओबीसी में 30 मार्क्स और एससी में 30 मार्क्स और एसटी में 25 मार्क्स, उनको भी सिलेक्शन दे दिया गया। तो दोस्त वो ही सीबीटी 2 के लिए अप्लाई, एग्जाम में बैठने के लिए उनको आदेश दे दिया गया। तो यहाँ पे देखें तो 25,000 सीट, अब बाद में जब रिजल्ट आया उसके बाद 25,000 स्टूडेंटों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। और बात करें हम सीट की दावेदारी की, तो एक सीट पे लगभग 12 दावेदारी यहाँ पे पेश हो रही है दोस्तों। उसी तरह हम बात करें कट ऑफ और पीसीएम टेक्नीशियन की बात करें, तो इसमें तो पहले से कटअप काफ़ी हाई था दोस्तों, क्योंकि इसका जनरल का 73, ओबीसी का 68 और एससी का 55 और एसटी का 54, ये नॉर्मलाइज स्कोर है आपका 100 पे निकाला हुआ है। लेकिन जब इसका कटअप कम कर दिया गया तो बाद में इसको बस 40 मार्क्स जनरल वाले को, ओबीसी के लिए 30 और एससी के लिए 30 और एसटी के लिए 25 मार्क्स। तो देखा गया कि जो पहले जो सिलेक्शन हुआ था और बाद में जो सिलेक्शन हुआ, जो बाद में सिलेक्शन हुआ उनका टोटल सीट 79,000 स्टूडेंटों को सिलेक्ट किया गया, जो कि पहले संख्या कम थी। तो इसमें आप देख सकते हैं कि किनका नंबर ऑफ स्टूडेंट, कौन से ग्रुप वाले नंबर ऑफ स्टूडेंट इसमें घुसे हैं जो बाद में कट ऑफ निर्धारित हुआ। आप देख सकते हैं कि पहले कट ऑफ में 46, बाद में 40 निकला, ठीक है, ये गैप 6 मार्क्स का है। उसी तरह आईटीआई की बात करें तो इसमें भी 6 मार्क्स का गैप है, लेकिन जबकि हम टेक्नीशियन की बात करें तो यहाँ पर गैप आपका हो जाता है 33 मार्क्स का दोस्तों। तो सोचिए, जो बाद में संशोधित रिजल्ट हुआ उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट हैं जो पीसीएम वाले ग्रुप का ही आए हैं, तो उनको एएलपी और टेक्नीशियन पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा कट ऑफ में। तो चलिए हम लोग अब देख लेते हैं कट ऑफ में भी। तो एक चीज़ पहले उससे हम लोग जान लेते हैं कि पीसीएम का कंपटीशन काफ़ी टफ होने वाला है। अप्रॉक्स 22,000 स्टूडेंट हैं जो पीसीएम के लिए बैठाया गया, और उसमें सीटों की संख्या है मात्र यहाँ पे 218। तो डिवाइड करते हैं तो एक सीट पर दावेदारी आती है 101, यानी एक सीट पर 101 स्टूडेंट की दावेदारी यहाँ पे आ रही है। जबकि हम बात करें उधर एएलपी और टेक्नीशियन में, तो 12 से 15 स्टूडेंट की एक सीट पर दावेदारी आ रही है, जो कि काफ़ी कम है। चलिए दोस्त, तो आगे हम लोग देखते हैं, अब कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। तो मैं इसी चीज़ के एनालिसिस को लेकर के कट ऑफ निकाला हूँ, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, और जो आपने भी कमेंट किया था मैं उस कमेंट को भी देख रहा था, और उसी से एक कट ऑफ निकाला हूँ।
और ये बात तो है कि आपको पार्ट बी में बस क्वालिफाई करना है, मेनली आपका मेरिट लगेगा जो पार्ट ए से ही लगेगा। और आप जान लीजिए कि पार्ट बी में आपका नॉर्मलाइजेशन होने वाला नहीं है, जैसा कि रेलवे बोर्ड ने बोल दिया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कटअप फॉर एएलपी सीबीटी 2। तो साइज देखिए, जैसा कि साइको टेस्ट में 8 गुना स्टूडेंट को बुलाया जा रहा है, तो इसका कटअप थोड़ा कम रहेगा। जनरल के लिए 44 से 48 मार्क्स रहेगी, ओबीसी के लिए 42 से 44 और एससी के लिए 38 से 42 और एसटी के लिए 36 से 38। देखिए दोस्त, ये जो मैं आपको स्कोर बता रहा हूँ, ये विदाउट नॉर्मलाइजेशन है। यदि नॉर्मलाइजेशन कर दिया जाए तो 4 से 5 नंबर और बढ़ सकते हैं। चलिए कटअप फॉर आईटीआई टेक्नीशियन। तो आईटीआई टेक्नीशियन की कटअप की बात करें तो यहाँ पे कोई साइको टेस्ट होने वाला नहीं है, बस इन लोगों का सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो इनका कटअप है 46 से 50 नंबर रहेगी और ओबीसी की 42 से 46 और एससी के लिए 38 से 44 जबकि एसटी के लिए 36 से 38 मार्क्स का कटअफ रहने वाला है। अब हम बात करने वाले हैं कटअप फॉर पीसीएम जो टेक्नीशियन है सीबीटी 2 के लिए फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो दोस्त यहाँ पे जनरली कटअप की बात करें तो 75 से 78 मार्क्स रहेंगे, जबकि ओबीसी की बात करें तो 72 से 75, एससी की बात करें तो 68 से 70 मार्क्स, जबकि हम एसटी की बात करें तो 65 से 68 मार्क्स कटअप रहने वाला है। सॉरी। तो दोस्त यहाँ पे आप देख रहे हैं कि काफ़ी हाई कटअप जाने वाला है पीसीएम टेक्नीशियन का। तो यदि आप चाहते हैं कि मैं और भी बोर्ड का कटअप बताऊं, एक्सपेक्टेड कटअप बताऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं आपका कौन सा जोन है और किस पे मैं वीडियो बनाऊं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और एट लास्ट फिर से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।